अरे मेरे भाई, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लगे। देखिए गाना तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, माशाल्लाह इतना प्यारा गाना है। बहुत मेहनत इस गाने में की है हमने, और जैसे कि सभी को पता है कि इस गाने को मैंने गाया है, और खूबसूरत मॉडल आप दोनों को दिख रहे होंगे मेरे बगल में, इन्होंने इसमें एक्ट किया है, सुरवीन ने लिखा है और म्यूजिक दिया है हमारे आमिर अली ने। तो अब बाकी ये है कि देखो, हमारा काम है गाने को अच्छा बनाना, बहुत खूबसूरत बनाना, बाकी ये हमारी ऑडियंस है वो बताएंगे कि गाना उनको कैसा लगा है कि कैसा नहीं लगा। अंकित भाई ने हमारे जो है पहली बार एक्टिंग की है, पहली बार इनका पहला सॉन्ग इनका दूसरा सॉन्ग है, लेकिन दूसरा मेरे साथ में है, पहला मुझे पता नहीं किसके साथ में। शूट ये पहले हुआ था। सो आपका एक नया शो आ रहा है जिसमें आप नए लोगों को मौका भी देंगे जी, वो शो के बारे में आप बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा एक शो आ रहा है बहुत जल्दी, सुपरस्टार सिंगर सीजन 3, और उसके तीन सीजन है, तीनों सीजन मैंने किए हैं, मतलब दोनों दो सीजन मैंने किए हैं, तीसरा भी मैं ही कर रहा हूँ आप सभी के प्यार से। सो उसके लिए हम बहुत ही कमाल के टैलेंट ढूंढ रहे हैं, अगर हमारे मीडिया के जरिए से हमें मिल जाएगा तो बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए, और बाकी तो हम देश के कोने कोने तो जाएंगे ढूंढने के लिए। तो बाकी ये है कि ऑडियंस का प्यार है और वो लोग चाहते हैं कि हम उनके लिए गाते रहें, हम उनको दिखते रहें, और बाकी तो बाकी ये बताओ सब लोगों ने गाना सुना है कि नहीं सुना, मुझे एक बार बताओ, सुना ना? दो लाइन अगर लाइव हो जाए तो वाओ, चलो चलो लेट्स गो। आप लोग सब ने गाना सुना है राइट? आप लोग क्यों नहीं हो हमें मुखड़ा बता देते हो? हाँ सही बात है, देखिए हम अपने गाने की जो हुक लाइन है, जो मेन लाइन है वो ये है, तेरे ले मैंने छड़िया घर बार वे, तेरे ले मैंने छड़िया घर बार वे, तेरे ले मैंने छड़िया घर बार वे। क्या बोले सर? सर मैं बताना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं लेट आया हूँ। मैं एक्चुअली लेट इसलिए आया हूँ कि मैं एक मैं एक शूट में था, ऑलरेडी एक शूट में था सुपरस्टार सिंगर के ही शूट में था। बाकी हमारे जो आधे मीडिया वाले लोग हैं उनको पता है कि मैं कहाँ था, आपको पता है जैसे कि मैं कहाँ था, शूट में था, ऐसा नहीं भाई गलत में सोच रहे ना, शूट में था मैं। नहीं भाई नहीं, मैं किसी का घर बार नहीं छुड़वाना चाहता, गाने का नाम भले ही घर बार है लेकिन किसी को छोड़ना नहीं है, किसी का घर नहीं उजड़वाना चाहता घर बार। बाकी ये है कि गाना बहुत मेहनत से हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर किया है, उसको बहुत मेहनत करी तब जाकर एक खूबसूरत गाना बना है। बाकी आप लोग प्लीज़ इस गाने को प्यार दें, ढेर सारा आशीर्वाद दें ताकि ये गाना और आगे तक जा सके। हम कब रील बना रहे हैं इनके? बाकी ऐसे लोग हमारे भाई, बट आई वांट टू नो कि यू वांट रोमांटिक रील्स ऑन इट और सेडक्टिव? अभी सलमान भाई डिसाइड करके बताएंगे सारा कुछ, मैं बोलूं? अरे तुम भी बोलो ना, हम तो बोल चुके हैं, कितना लेट है ना, रोमांस और सेडक्टिव डांस की जरूरत है आपको सलमान भाई? मैं तीनों चीजें मिक्स कर दूंगा, थोड़ा डांस, थोड़ा रोमांस और थोड़ा सा सेडक्शन। रोमांस तो आप लोगों ने देखा होगा, अरे खतरनाक वाला, और डांस भी ऐसा नहीं, दोनों चीजें, दोनों चीजें, दोनों चीजें, डांस तो बाकमाल है। पर इमरान हाशमी में सर को डांस नहीं आता था, मुझे क्या बात है भाई, हाथ मिला। Yes, why not? And he's so, so, so talented and with a very great voice. I really want ki aap kuch romance bhara hai geet ga aur main usme perform karu. Bilkul, bilkul. Thank you so much. Aur but mujhe ghar se bahar mat nikalwana. I want ki wo kuch romantic song mere liye gaye aur main usme perform karu. Bilkul, bilkul. Ya fir main to ye kehta hu ki jo hamara gana hai uspe reel banayenge to usme hamara bhi fayda hoga. Are, kya baat hai. Kyunki ye
जो भी गाने पे वीडियो बनाते हैं, जो भी कंटेंट बनाते हैं, माशाल्लाह वो बहुत बहुत फेमस हो जाता है, बहुत लोगों तक पहुंचता है। तो मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ हमारे गाने पे वीडियो बनाएं। डेफिनेटली मैं अपने घर के बाहर जाके ये वाली रील बनाऊंगा, ताकि वो फिर मुझे बोलना कि तेरे लिए छोड़ा मेरा घर बाहर में। धार्मिक जरूरत से ज्यादा, दैट्स टू धार्मिक, हां दैट्स टू धार्मिक, सार्कैज़म था ये। ओके जी, थैंक यू सो मच। अरे भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन पूछा आप लोग, क्या हमें बस देख ही रहे हो? क्वेश्चन तो पूछो, इतना आप प्लीज इनसे पूछिए, इन्होंने कितनी अच्छी एक्टिंग करी, क्या कमाल का डांस किया है। नो डाउट दे परफॉर्मड सो वेल इन द सॉन्ग, और मैंने आज ही सॉन्ग देखा बाय द वे, एंड ब्यूटीफुल कोरियोग्राफी, या या बेशक बेशक बेशक, क्या बात है, माशाल्लाह। और एनी मोर डांस गाने आप गा रहे हो? कब? मैं बहुत जल्दी गा रहा हूँ, आपके आपका डांस और आपकी एक्टिंग देख लिया, आप अगले गाने में, मेरे अगले गाने में आप मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी, सबके सामने बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप मेरे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मैम को बुला लो एक मिनट के लिए, सलमान भाई मैम आ रही है, भाभी आ रही है, एक मिनट के लिए। अच्छा मैं एक मिनट, भाभी आ रही है, जो फीमेल सिंगर है, फीमेल सिंगर है, एक मिनट वीडियो बिल्कुल यार, मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और गाना हिट तो तभी हो जाता है जब सलमान गाना गाता है, बड़े कमाल का सिंगर है, उनकी जो आवाज़ है बड़ी खूबसूरत है, और सर्दियों का मौसम है और रोमांटिक गाना है, तो क्या ही कहना। मेरी शुभकामनाएं है कि गाना सुपर डुपर हिट हो, और पूरी टीम जो है लगातार इसी तरह गाने बनाते रहें, इसी तरह हम लोग को इंटरटेन करते रहें, और यूँ ही कमाल के जो है वीडियो गाने बनाते रहें। हाँ अरे वाह दादा, एक एक दो लाइन और, क्या नाम, इसका नाम क्या है? अंकित। हाँ ये जो अंकित है, ऑन हो गया दादा रोल। हाँ ये जो अंकित है, जिनका बड़ा ही खूबसूरत ये गाना है, कल हम लोग एक और गाना भी शूट कर रहे हैं, तो अंकित मेरे साथ शूट कर रहा है, बहुत ही प्यारा लड़का है। हमारा जो गाना है वो भी एकदम सैड रोमांटिक वाला गाना है, जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, कि एक म्यूजिकल फिल्म जो होती है जिसमें पूरा ड्रामा आता है, उस तरह का फॉर्मेट है, किसका दिल टूटता है, किसका जुड़ता है, कौन प्यार हासिल करता है, कौन नहीं करता है, तो जब ये गाना आएगा तो आप देखेंगे। और जैसा कि मेरा पिछला गाना आया था गिले शिकवे, जिसको 3 से 4 दिन में आप लोगों ने 2 मिलियन क्रॉस करवाया था, बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला था, तो मुझे उम्मीद है कि हम जो अभी गाना शूट करने जा रहे हैं वो भी आप लोग ऐसे ट्रेंडिंग में लेके आएंगे, और आप लोग हमेशा मुझे प्यार देते हैं, तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप सबका प्यार बनाए रहे, थैंक यू सो मच।